हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फूडी कलाकार की एक और नई वीडियो में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक सिंपल और हेल्दी रेसिपी, जिसके लिए हमें चाहिए 2 केले, जिन्हें हम गिलास या मग में डायरेक्टली कट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें बिना चाकू के गिलास में डायरेक्टली कट कर लिया है। अब हम इन्हें चम्मच या कांटे की सहायता से अच्छे से मसल कर एक गोल बना लेंगे। ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने घर से दूर हॉस्टल या पीजी में रहते हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, हेल्दी खाना पीना पसंद करते हैं, जिम जाते हैं और प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट मील में स्मूदी और शेक लेना पसंद करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मिक्सर और ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम ग्लास में बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और हेल्दी रेसिपी है। एक बार हमारा घोल अच्छे से तैयार हो जाए तो हम इसमें, जिन्हें ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो वो 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। चीनी भी हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। एक बार अच्छे से घोल तैयार हो जाए अब हम इसमें 1 कप ठंडा दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। एक बार दूध अच्छे से मिल जाए तो हम इसे चाहे तो डायरेक्टली ग्लास में सर्व कर सकते हैं। ग्लास में सर्व करने से पहले हम चाहे तो ग्लास को चॉकलेट सॉस से अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं, ताकि पीने के साथ साथ देखने में भी अच्छा लगे और एकदम महंगे 5 स्टार वाली फीलिंग आए। जिनके पास चॉकलेट सॉस नहीं है वो चाहे तो चॉकलेट को मेल्ट करके भी ऐसे यूज कर सकते हैं। हमारा ग्लास अच्छे से डेकोरेट हो चुका है। अब हम इसमें दूध और केले का घोटाला सर्व करेंगे और ऊपर से ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश करेंगे। ड्राई फ्रूट के बाद हम इसे चॉकलेट से गार्निश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।